हेलो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही अच्छा गुड न्यूज है। और गुड न्यूज ये है कि हमारा एक एक्सक्लूसिव ऐप है सीए सपन सर। वो ऐप पे आपको एफवाईजेसी अकाउंट्स और मैथ्स के हर एक एक्सरसाइज के वीडियो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, गो एंड डाउनलोड नाउ। फ्री रिसोर्सेज के सेक्शन में एकदम ही सिस्टमैटिक वे में हर एक वीडियो आपको मिलेगा। बहुत सारे टेस्ट भी मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? इस वीडियो में हम एफवाईजेसी का जो हमारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो सीरीज चल रहा है उसमें 6.3 का क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो सीखने की शुरुआत करते हैं। इसके पहले, बिफोर वी गो अहेड, मैं परम्यूटेशन का बेसिक जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो से एग्जाम्पल एनपीआर। तो एनपीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको यूज कैसे करेंगे, तो मैं एक शॉर्टकट भी दूंगा आपको जिससे इतना सब लंबा करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो से हमको 6P4 फाइंड आउट करना है। एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आर की वैल्यू है वो या तो 6 यानी एन के जितनी या उससे कम हो सकती है। इट कैन नेवर बी 4P6, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ये गलत है। तो हमेशा एन विल बी ग्रेटर देन आर और इक्वल टू आर, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो 6P4 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करोगे, तो ये फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है बेटा, तो 6 5 4 3 into 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल और फाइनल आंसर आ गया 6 5 4 और 3, है ना। तो जैसे मैं कह रहा था, आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। ये तो आप समझ गए कैसे डिराइव करना है, पर शॉर्टकट ये है कि अगर 6P4 ढूंढना है तो ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, आप 6 से स्टार्ट करो और यहां पे 4 है तो टोटल 4 फैक्टर्स होने चाहिए इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। टोटल 4 फैक्टर होने चाहिए इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 6 5 4 3 हो गया, डन। तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये आंसर आ गया 6 5 4 3। एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। से मुझे कैलकुलेट करना है 10P3। तो 10P3 कैसे करूंगा बेटा, 10 से स्टार्ट करूंगा, 10 into 9 into 8। स्टॉप, क्यों स्टॉप, क्योंकि 3 है तो 3 टर्म्स होने चाहिए बस। ओके, अगर 10P1 गिनना है तो 10P1 होता है 10, बात खत्म। कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ये काम आएगा पूरे के पूरे एक्सरसाइज में। फाइंड एन इफ NP6 इज टू NP3 इज 120:1। ओके, तो अभी कहीं कहीं फॉर्मूला भी यूज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि पूरा फॉर्मूला के बिना ही चलेगा। तो NP6 डिवाइड बाय NP3 इज 120/1। तो फॉर्मूला NP6 का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n-6 फैक्टोरियल। अब ये डिनोमिनेटर में है तो इनवर्स कर देता हूं मैं, into n फैक्टोरियल और n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120, है ना। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर में था n फैक्टोरियल और उसके नीचे था n-3, n-3 ऊपर लिख दिया और n फैक्टोरियल यहां लिख दिया। तो अब ये n फैक्टोरियल कैंसिल। n-3 और n-6 में कौन बड़ा है, n-3 बड़ा है। n में से 3 माइनस किया है, यहां n में से 6 माइनस किया है, तो n-3 बड़ा है, n-6 छोटा है। हमारा रूल क्या है, बड़े को छोटे के पास लेके जाओ। तो ये हो गया n-3, n-4, n-5 और n-6 फैक्टोरियल
डिवाइड बाय एन माइनस सिक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब क्या, तो अभी ये n माइनस सिक्स, n माइनस सिक्स कैंसिल, n माइनस थ्री, n माइनस फोर, n माइनस फाइव, ये 120 आ गया है। अब हमें शॉर्टकट चाहिए, बहुत सॉलिड शॉर्टकट है। शॉर्टकट ये है, इसको एक्सपैंड करने जाओगे ना तो क्यूब आ जाएगा। क्यूब से कैसे सॉल्व करेंगे, हमें तो n की वैल्यू चाहिए। तो इधर तीन फैक्टर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तीन फैक्टर है डिसेंडिंग ऑर्डर में, एन माइनस थ्री के बाद एन माइनस फोर के बाद एन माइनस फाइव। तो 120 को मैं कोशिश करता हूं कि तीन फैक्टर में डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं डिवाइड करूं, है ना। तो एग्जांपल है, रैंडमली लेना है, तो तीन फैक्टर अगर मैं लेता हूं, सिक्स इंटू, ये रैंडम में तो सीधा आंसर ही आ गया मेरा, सिक्स से मैंने स्टार्ट किया, कर ही लेता हूं, तो सिक्स इंटू फाइव कितना होता है, थर्टी, थर्टी इंटू फोर कितना होता है, 120। तो हो गया ना बेटा, थ्री फैक्टर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स, बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इसका एक और मैं शॉर्टकट भी दूंगा। आप, मेरे को पता है दिमाग में क्या चल रहा है, सर हमको कैसे मालूम पड़ेगा सिक्स फाइव फोर 120 होगा, तो करेंगे ना, चिंता मत करो, शॉर्टकट देंगे आपको। तो बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इसका सबसे बड़ा नंबर इसके सबसे बड़े नंबर से इक्वेट करो, तो n माइनस थ्री इज इक्वल टू सिक्स एंड देयरफॉर n की वैल्यू हो गई 9। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। शॉर्टकट क्या है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। फाइंड m एंड n इफ m प्लस n p2 इज 56 एंड m माइनस n p2 इज 12। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगेन हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हा? तो चिंता नहीं करना। m प्लस n p2 इज इक्वल टू 56 दिया है और m माइनस n p2 इज इक्वल टू 12 दिया है, तो हमें क्या करना है, हमें m और n की वैल्यू ढूंढनी है। ठीक है, तो इसको करते हैं, m प्लस n और m प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू 56। ये कैसे हुआ भाई, ये कैसे हुआ, मैं बताता हूं कैसे हुआ। हमने जो शॉर्टकट दिखाया था आपको कि इधर p 2 है, तो 2 है तो दो फैक्टर्स होंगे इमीडिएटली डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इधर हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया, m प्लस एन, उसके बाद वाला टर्म m प्लस एन माइनस वन इज 56। तो अभी हो रहा है m प्लस एन और m प्लस एन माइनस वन इज 56 को ब्रेक करो 8 इंटू सेवन एंड बाय इक्वेटिंग आप लिखोगे, देयरफॉर आपको मिला m प्लस एन इज इक्वल टू 8। समझ रहा है, अब इधर बाजू में देखते हैं, बाजू में m माइनस एन और m माइनस एन माइनस वन इज 4 इंटू थ्री, है ना, m माइनस एन, इधर भी दो है तो दो फैक्टर होंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, m माइनस एन, नीचे वाला m माइनस एन माइनस वन, 12 को कर दिया 4 इंटू थ्री। अब अगर इसका पहला टर्म और इसके पहले टर्म को इक्वेट करते हैं तो मुझे मिलेगा m माइनस एन इज 4। तो लॉजिकली सोचो यार, m प्लस एन 8 है, दो टर्म का टोटल 8 है और दो टर्म का डिफरेंस 4 है, तो वो दो टर्म क्या होंगे, साइमल्टेनियस से करते हैं, तो m प्लस एन इज इक्वल टू 8, m माइनस एन इज इक्वल टू 4, तो एडिंग बोथ यू गेट 2 टाइम्स m इज 12, m इज 6 एंड n इज 2, तो 6 प्लस 2 8, 6 माइनस 2 4, हो गया ना काम, m और n की वैल्यू मिल गई। हाँ चलिए, लास्ट में वो शॉर्टकट भी बताऊंगा थ्री टर्म्स वाला, ये क्या है, r की वैल्यू ढूंढनी है, 12 पी आर माइनस टू अपॉन 11 पी आर माइनस वन इज 3 अपॉन 14। अब इधर शॉर्टकट यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें r की वैल्यू नहीं पता है, वहां पे तो
टू था तो टू फैक्टर होंगे ये पता था, तो अभी हमें यहाँ पे फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन, अब इधर बच्चे मिस्टेक करते हैं, क्या मिस्टेक करते हैं मैं बताता हूँ, मैं पहले मिस्टेक करूंगा, आप ढूंढ के बताइएगा सर मिस्टेक पकड़ा कि नहीं, कमेंट में लिखना मिस्टेक पकड़ा है। तो 12 माइनस आर माइनस टू फैक्टोरियल, मिस्टेक है क्या? तो फॉर्मूला क्या है बेटा, एन पी आर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो r पूरा का पूरा माइनस करना है, तो मतलब मैं ना एक शॉर्टकट, मतलब एक एक्स्ट्रा काम करूंगा, 12 माइनस इधर ऐसे ब्रैकेट कर दूंगा, 12 माइनस r माइनस टू, तो यानी ये प्लस हो जाना चाहिए, बच्चे बाय मिस्टेक इसको r माइनस टू ही रहने देते हैं। तो एक कसम खाओ, क्या कसम खाना है कि माइनस के बाद जब भी एक्सप्रेशन होगा तो ब्रैकेट करेंगे, अब काम हो गया आपका, अभी मिस्टेक हो ही नहीं सकता है। क्या करना है, माइनस के बाद अगर एक्सप्रेशन होगा कोई तो ब्रैकेट करोगे, ठीक है। सो अभी डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस ब्रैकेट आर माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 14, ठीक है। अभी दो मिनट में इजी हो जाएगा, डोंट वरी, इज इक्वल टू ये हो गया 12 फैक्टोरियल अपॉन, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 12 माइनस आर प्लस 2 फैक्टोरियल, ये भाई साहब न्यूमरेटर में चले जाएंगे ऊपर, तो इन टू 11 माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 आउट ऑफ 14, ठीक है। तो अब क्या, अब है 12, ये 12 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल है, तो इसको 12 इंटू 11 फैक्टोरियल कर दो, इंटू 11 प्लस 1 होता है 12, तो 12 माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 प्लस 2 हो गया 14, तो 14 माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल इज 3 आउट ऑफ 14। सो 12 ये 11 फैक्टोरियल, ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अभी ये 12 एक न्यूमेरिकल नंबर है, उसको मैं राइट हैंड साइड पर लेकर जाता हूं और इधर रहने देता हूं 12 माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन 14 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 14 इंटू 12, ओके। अभी क्या, अभी 14 माइनस आर और 12 माइनस आर, उसमें कौन बड़ा है, तो 14 माइनस आर बड़ा है, 12 माइनस आर छोटा है, तो हमारा रूल क्या है, बड़े को छोटे के पास लेके जाना है, तो 12 माइनस आर को मैं वैसे ही रहने देता हूं, डिवाइड बाय 14 माइनस आर, एक नंबर कम करो 13 माइनस आर, एक नंबर और कम करो और छोड़ दो 12 माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू, इधर अगर हम कट करें 3 4 जा 12, तो 1 अपॉन 14 इंटू 4 हो गया आपका 56, ठीक है। अभी क्या कर सकते हो, ये 12 माइनस आर कट हो गया है ना, अभी इन दोनों को राइट हैंड साइड ऊपर लेके जाएंगे, इसको लेफ्ट में ऊपर लेके आएंगे, सो 56 इज इक्वल टू 14 माइनस आर और 13 माइनस आर, ठीक है। अब एकदम मंजिल करीब है हमारी, क्या ये इमीडिएटली डिसेंडिंग नंबर्स हैं, हाँ जी, तो 56 के दो टुकड़े कर दो, 56 को हम 8 इंटू 7 लिख सकते हैं, तो 8 इंटू 7 14 माइनस आर और 13 माइनस आर, सो बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स, बाय इक्वेटिंग बोथ साइड्स हम लिख सकते हैं 8 इज इक्वल टू 14 माइनस आर, आर को इधर लेकर गए 8 को इधर लेकर गए, तो आर इज इक्वल टू 14 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, आर की वैल्यू क्या मिली 6। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 था। अभी लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट एन प्लस 1
into NPR is equal to N minus R plus 1 into N plus 1 PR. एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ये बड़ा वीडियो हो जाएगा. हम कोशिश करते हैं कि हर एक वीडियो एक 10 या 15 मिनट से ज्यादा एक्सीड ना हो. तो ये फोर्थ क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा. ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.